उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं, क्योंकि वो तो सब छोड़ दिया ना, कुछ करता ही नहीं। कर्ण आता भी नहीं, जानता मैं करता नहीं हूं। जब जानता नहीं तो भगवान समझ गए, भगवान जानते हैं जो ये तो अकर्ता है तो हमको करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, जानता नहीं है तो माँ दुख हर्ष में उसको गोदी में लेकर कहीं जाते हैं तो ले जाते हैं। पहले साधक के लिए पूर्ण समर्पण, वो तो अनुभव विद्य है। अनुभव कब होता है? भगवत कृपा से होती है। भगवत कृपा कब होती है? भगवत कृपा तब होती है जब अपने को बिल्कुल ही अयोग्य समझ करके, ये हमारे द्वारा कुछ होना संभव नहीं है, काहे मन वचन से इस तरह से जो निश्चय कर लेता है, जान लेता है, जो एकमात्र भगवत कृपा ही हमारे सामने एकमात्र अवलंबन है। निज चेष्टा के द्वारा, अनंत काल साधन प्रक्रिया के द्वारा हम कभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या होता है? तभी जाकर के हमारे और सामने कोई उपाय नहीं, तभी जाके शरणागत होते हैं। वो शरणागति कोई शाब्दिक नहीं, हृदय से वो जान जाते हैं आप कृपा चाहिए, हमको रक्षा करो हे करुणामयी। तो इस तरह से जब काय मन वचन से शरणापन्न हो जाते हैं, शरणापन्न का लक्षण क्या है? शरणापन्न अब तो कहेंगे हम तो शरणागत हैं, हम तो शरणापन्न हो गए। बोले ना, ऐसा थोड़ी है। शरणापन्न होने से उसका आत्म अभिमान रहता ही नहीं, वो देखता है जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा, और ये भी निश्चय कर लेते हैं जो सामने होने वाला है वो भी प्रभु की इच्छा, जान करके वो शांत हो जाते हैं। फिर शरणागत हो जाते हैं, तभी जाकर के समर्पण होता है। समर्पण ऐसा थोड़ी होता, समर्पण क्या? बोले कर्म समर्पण करो। कर्म समर्पण क्या करोगे? तुम जब करते ही नहीं हो, तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, जब सब कुछ प्रभु करते हैं तो तुम क्या कर्म, कौन सा कर्म करके तुम समर्पण करोगे? तो ये कर्म समर्पण जो है, ये इसका कोई कुछ माने नहीं है इसका। जब तुम करते ही नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ईश्वर सर्वभूतानि रिद्धिसर्जन तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतुरूढानि मायाया। भगवान शक्ति भीतर रह करके जंतुरूढ़ पुतला जैसे माया के द्वारा नाचा रहे हैं। ये जीव समझ नहीं पाता है, तो कहना पड़ता है तुम समर्पित हो जाओ, कर्म समर्पण करो। जत करोषी जदुष्णासी जत जोशी जदाति जत जत विश्वासी कंतु तत्कृष्ट मदर्पणम। सब क्या समर्पण करोगे तुम, जब उन्हीं का ही है, वो करा रहे हैं और वो हमारे भीतर रह बैठ करके सब कुछ करा रहे हैं उनकी इच्छा। तो हम कौन सा कर्म करते हैं जो वो कर्म को हम समर्पण करेंगे? समर्पण माने दृष्टा बन जाना, अभिमान को हटाना है। जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। तुम सिर्फ दृष्टा बन जाओ, देखते रहो। जेतु सर्वाणि कर्माणि मुई सन्नस्य मत्परः अनन्य नैव योगिन मां धयन्तु उपासते तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संचर सागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मई आविष्ट चेतसम। गीता में कहती है जो समस्त कर्म हमको समर्पण कर देते हैं, माने हमको कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के भजन भी। कर्म माने सांसारिक कर्म नहीं, ये समझना, ये भूल हो जाएगा। जो सांसारिक कर्म जो वो करा रहे नहीं, जो भजन करते एक भी नाम निकालता है तो प्रभु की इच्छा से निकल रहा है, ऐसा जानना पड़ेगा। अभिमान नहीं,
हम भजन करते हैं। तो दीनता आनी चाहिए जो प्रभु कृपा करके ये मुख से उनके नाम उनकी कृपा से हो रही है, है ना? ये समझ करके निराभिमान होना चाहिए। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निष्ठमत्परा, समस्त कर्म प्रभु करते हैं, प्रभु करा रहे हैं, ऐसे जान करके उनके दास बन के, अकर्ता बन के, दृष्टा बन के संसार में रहते हैं, तो प्रभु क्या कहते हैं? तेसंग अहंग समुद्धरता मित्र संसार सागर, उसके उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं। क्योंकि वो सब छोड़ दिया ना, कुछ करता ही नहीं, करना आता भी नहीं, जानता मैं करता नहीं हूं। जब जानता नहीं तो भगवान समझ गए, भगवान जानते हैं जो ये तो अकर्ता है, तो हमको करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, जानता नहीं है तो माँ घर समय उसको गोदी में लेकर कहीं जाते हैं तो ले जाते हैं। घर में बच्चा रहता है तो माँ कहीं जाते नहीं है, उसको छोड़ करके सब समय चिंता रहती है जो बच्चे को हम कैसे उन सब वस्तु जरूरत है, है ना, है ना। और भी बच्चा है लेकिन उसके लिए माँ का उतना चिंता नहीं है, लेकिन कुछ जानता नहीं है, हमारे ऊपर समर्पित है, इसलिए माँ उसको छोड़ करके कहीं जाते नहीं, है ना, है ना। ऐसे ही जब इस तरह से भगवान को कर्ता मान करके, जब दृष्टा बन के भगवान के ऊपर समर्पित हो करके, जब उनके तरफ देखते रहते हैं, हे करुणामयी कब कृपा होगी, हे करुणामयी कब कृपा होगी, ऐसे उनकी कृपा के तरफ अवलोकन करते रहते हैं और अश्रु धारा बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे करुणामयी तुम कृपा करके हमको इस संसार सागर से उद्धार करके तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में ले चलो, तुम्हारे सेवा प्रदान करो, नहीं तो अनंत काल कोशिश करके भी हमारे हम अपने शुद्र चेष्टा के द्वारा कभी तुम्हारे चरण सान्निध्य में पहुंच नहीं पाएंगे।